इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 16, 17 और 18 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 16, भिन्न संख्याओं की तुलना आरोही अवरोही क्रम की समझ विकसित कर पाना। पहला, दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न पर घेरा गोल घेरा लगाइए। पहला प्रश्न है 3/2, 1/2 और 5/2। इसमें से बड़ी भिन्न होगी 5/2, क्योंकि 3/2 का मतलब हो रहा है 1.5, 1/2 का मतलब आधा और 5/2 का मतलब 2.5 यानी ढाई। तो 5/2 बड़ी होगी, इसमें गोला लगाएं। दूसरे में 4/3, 2/3 और 1/3 में 4/3 बड़ी है। तीसरे प्रश्न में 5/7, 2/7 और 6/7 में 6/7 बड़ी है। चौथे प्रश्न में 4/8, 5/8 और 3/8 में 5/8 बड़ी है। प्रश्न नंबर 5, 1/6, 5/6 और 3/6, इसमें 5/6 बड़ी है। प्रश्न नंबर 6, 3/4, 5/4 और 1/4 में 5/4 बड़ी है, इसमें गोला लगाएं। प्रश्न नंबर 2, दी गई भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न पर राइट का चिन्ह लगाना है, या गोला भी लगा सकते हो। तो इसमें 5/9, 7/9 और 9/9 में 5/9 बड़ी, 9 छोटी है। इसमें देखिए आप, नीचे समान संख्या है हर में और अंश अलग अलग है, तो जिसका अंश छोटा वही छोटी, नीचे समान होनी चाहिए। इसमें तीनों में 9 है और 5, 7 और 9, तो इसमें 5 छोटा है तो ये भिन्न छोटी होगी। दूसरे में भी ऐसा है, तीनों में नीचे 11 है, ऊपर है 4, 9 और 2, तो जिसका अंश छोटा वही सबसे छोटी, हर समान होना चाहिए नीचे वाला तीनों। तो 4/11, 9/11 और 2/11 में 2/11 छोटी होगी। 1/5, 7/5, 5/5, इसमें भी देखिए हर तीनों में समान है, तो अंश जो छोटा है ऊपर वाला वही छोटी। 3/10, 5/10, 7/10 में 3/10 छोटी, इसका अंश छोटा है, हर तीनों में समान है। 7/7, 9/7 और 5/7 में 5/7 छोटी। 5/6, 7/6 और 11/6, 5/6 छोटी है। प्रश्न नंबर 3, दी गई भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए। 3/5, 1/5 और 4/5। तो पहले बड़ी आएगी 4/5, फिर 3/5 और सबसे छोटी 1/5 लास्ट में। दूसरे में 4/7, 3/7, 6/7। अभी समझाया था कौन सी भिन्न बड़ी होगी, जिसका हर नीचे वाला समान है और ऊपर वाला भिन्न है, अलग अलग है, तो जो बड़ा होगा ऊपर वाला वही बड़ी भिन्न। तो बड़ी भिन्न है 6/7, 6/7 पहले, इससे छोटी 4/7 और उससे छोटी 3/7। प्रश्न नंबर 4, दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखें। 1/5, 5/5 और 3/5। तो सबसे छोटी पहले 1/5, उससे बाद 3/5 और लास्ट में 5/5। दूसरे में है 3/4, 1/4 और 2/4, छोटी है 1/4, इससे बड़ी 2/4 और इससे बड़ी 3/4। कार्यपत्रक 17, दक्षता, भिन्न संख्या की तुलना एवं तुल्य भिन्न की समझ विकसित कर पाना। पहला, 2/3 की 2 तुल्य भिन्न लिखिए। 2/3 की 2 तुल्य भिन्न होगी, देखिए 2/3 को 1 से गुणा किया, 2/3। अब 2/3 को 2 से गुणा करें, दोनों को, अंश और हर को, तो इसकी तुल्य भिन्न आ जाएगी 4/6। और 2/3 को अब 3 से गुणा किए, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, तो फिर तुल्य भिन्न आ जाएगी 6/9। इसी प्रकार 3/4 की तुल्य भिन्न होगी, देखिए 3/4 को 1 से गुणा किया 3/4, 3/4 को दोनों को 2-2 से गुणा किया, अंश और हर को 6/8 इसकी तुल्य भिन्न, फिर 3 से गुणा किया दोनों को 9/12, ये भी इसकी तुल्य भिन्न। प्रश्न नंबर 3, 1/2 की 4 तुल्य भिन्न लिखिए। 1/2 की 4 तुल्य भिन्न 2/4,
तीन बटा छः, चार बटा आठ और पांच बटा दस। निम्न भिन्नों के मध्य छोटा बड़ा और बराबर चिन्ह लगाइए। पहले हम देखिए एक बटा दो और एक बटा तीन, एक बटा दो बड़ा है ये चिन्ह, जिधर मुंह खुला वो संख्या बड़ी। दो बटा तीन और तीन बटा चार में तीन बटा चार बड़ा है, तीन बटा चार और चार बटा पांच में चार बटा पांच बड़ा है, दो बटा तीन और तीन बटा चार में तीन बटा चार बड़ा है, पांचवा तीन बटा चार और छः बटा आठ में दोनों बराबर है, दोनों 75-75% हो गए, तीन बटा चार और तीन बटा पांच में तीन बटा चार बड़ा है। अब देखते हैं कार्यपत्रक 18। कार्यपत्रक 18 दी गई भिन्नों के चित्रों को उनके मिश्र भिन्न से मिलाइए। अब इसमें हमें भिन्न दे रखी है, देखिए एक पूरा चित्र, दूसरे में एक चौथाई, एक सही एक बटा चार, एक सही एक बटा चार से मिला दिया। दूसरे चित्र में देखें दो पूरे और इसमें आठ में से तीन भाग हैं, दो सही तीन बटा आठ, तो दो सही तीन बटा आठ से इसको मिलान करना है। तीसरा चित्र देखें, एक पूरा, दूसरे में दस में से तीन छायांकित हैं, एक सही तीन बटा दस, कुल दस खाने, नीचे दस आ जाएंगे, तीन छायांकित हैं, तीन ऊपर आ जाएंगे, एक पूरा एक ही आ जाएगा, एक सही तीन बटा दस, एक सही तीन बटा दस सबसे नीचे हैं, इससे मिला दें। चौथा प्रश्न, एक पूरा और तीन में से एक छायांकित, एक सही एक बटा तीन, एक सही एक बटा तीन ऊपर है, इससे मिला दें, एक सही एक बटा तीन। अगला प्रश्न है पांचवा, एक चित्र पूरा, दूसरे में छः में से दो खाने छायांकित, एक सही दो बटा छः, एक सही दो बटा छः से मिला दें। छठा चित्र है, दो चित्र पूरे, इसमें से चार में से तीन छायांकित, दो सही तीन बटा चार, दो सही तीन बटा चार सबसे ऊपर है, यहाँ से आप सबसे ऊपर दो सही तीन बटा चार को मिला दें। अगला है लास्ट, दो खाने पूरे और इसमें छः में से एक छायांकित यानी एक बटा छः और दो पूरे, दो सही एक बटा छः, दो सही एक बटा छः से मिलान कर दें। ये था कार्यपत्रक 16, 17 और 18 का हल। और भी कार्यपत्रक के हल प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर हमने सभी कार्यपत्रकों के हल करके एक साथ डाल रखे हैं, वहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। इसका हल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।